हे गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस कैसे हो, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पुणे इंडिया के जो टॉप 10 सिटी है उनमें से नवां स्थान पे पुणे आता है आपका। और मैं बता दूँ पुणे सिटी महाराष्ट्र के टॉप सिटी में से दूसरे नंबर पे। और ये जो है पुणे सिटी, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया यानी बोल सकते हो मैं फैक्ट्री है, वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पुणे में ही है। पुणे में ज़्यादातर फैक्ट्री यहाँ पे मेटल्स की है जो कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग करती रहती है। अगर मैं सिर्फ पुणे की बात करूँ तो पुणे में इतना सारा फैक्ट्री है, जितनी भी इंडिया के जो बोलो कि जो टॉप जो भी कंपनियाँ हैं, जो जितना भी मेटल्स के सबसे ज़्यादा पुणे में। और पुणे में ज़्यादातर जितनी भी फैक्ट्री है वो ज़्यादातर मेटल्स से रिलेटेड ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है यहाँ पे। कुछ ऐसे भी कंपनियाँ जैसे छोटी छोटी कंपनियाँ, जो बड़े बड़े कंपनियाँ उसकी जो बड़े बड़े कंपनियाँ जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है कार है उसकी जो छोटी छोटी जो पार्ट है वो छोटी छोटी कंपनी बना के उससे सेल करते। आप देख सकते हो जो हमारे सामने आप जो दिख रहे हो कंपनी, वो भी ज़्यादा मेटल के काम करती है। मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में जूम करके दिखाता हूँ। अब देखो जो भी लोग काम करे, आप देखो ज़्यादा मेटल के काम हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसी ऐसी कंपनी यहाँ पे पुणे में लगभग कम से कम बहुत सारा कंपनी। पुणे में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया अगर है तो चाकन एक जगह का नाम है, और चाकन में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल बोल तो फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता रहता है। अगर मैं बात करूँ पुणे सिटी में बड़े बड़े जो कंपनी है जैसे टाटा महिंद्रा की जितनी भी कार हैं वो सारा पुणे में ही मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है। अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो ये मारुति सुजुकी पुणे में नहीं है, ये दिल्ली में गुड़गांव में है। अभी जहाँ पे हूँ अगर वहाँ से अगर व्यू दिखाऊँ अगर पुणे सिटी का, तो आप देखोगे कि कितना सारा इंडस्ट्रियल एरिया और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री कितना अधिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ चाकन के एक जगह है वहाँ पे आलंदी फाटा से आप देखोगे तो कुछ नज़ारा ऐसे दिखेगा जिसमें आप देखो कितना सारा इंडस्ट्रियल एरिया दिख, जितना भी आप दूर तक भी देखोगे तो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया दिखाई देगा। इधर भी देखोगे तो गाइस इसी तरह शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे शानदार वीडियो लेकर और आएंगे दोस्तों। पुणे सिटी में और किस पर वीडियो बने उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं हमारे पास। और गाइस मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ एक नए वीडियो पुणे सिटी का, पूरे पुणे सिटी का जितने भी मैक्सिमम हो सकता है ट्रैवलिंग में जितनी भी जानकारियाँ हो, जितनी भी ट्रैवल्स के टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.